आइसोमेट्रिक चैंप में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहित वर्मा है। आज हम आइसोमेट्रिक का 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का ये क्वेश्चन हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि टॉप में क्या क्या बनेगा। टॉप में एक ये जो टी जैसी आकृति दिख रही है, एक तो ये बनेगी टॉप में। टॉप में ये बनेगा, ये वाली भुजा बनेगी, और ये जो टेपर है ये वाली बनेगी यहाँ, और इस साइड भी जो टेपर बनी है वो भी बनेगी। अब सबसे पहले ये 90 mm की लाइन बनाते हैं। लाइन बन गई। अब यहाँ से ये 10 mm की दूरी, यहाँ से भी 10 mm, और ये जो दूरी है ये इसके सेंटर से 5 mm और 5 mm इधर इधर लेंगे, तो 45 पे ले लेंगे इसको डायरेक्ट पॉइंट। 5 mm इधर और 5 mm इधर ले लेंगे पॉइंट। अब इसको ऐसे ही मिला देंगे। टी ये कितना नीचे आएगा, ये 40 आएगा, क्योंकि हमने ऊपर 10 ले लिया है और ये टोटल 50 है। ये कंप्लीट हो गया। अब ये लाइन खींचेंगे यहाँ से, यहाँ ये भी 40 mm है क्योंकि 10 हमने ऊपर ले लिया है। ये लाइन फाइनली हम इसको भी जोड़ देंगे। टेपर कहाँ ख़त्म है, शुरू तो यहीं से ही है, ख़त्म यहाँ से 20 कम है, यहाँ से 20 कम हटाएंगे और यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। लाइन खींचेंगे, यहाँ पे भी वही है, यहाँ से 20 कम करके टेपर लाइन खींच देंगे। ये टॉप व्यू हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने प्रोजेक्शन ऊपर से नीचे ले लिया है। प्रोजेक्शन के लिए आप 4H पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब इसका फ्रंट बनाते हैं। पहले फ्रंट में देखेंगे क्या क्या बनेगा। फ्रंट हम इसको यहाँ से देखेंगे फ्रंट, क्योंकि ये भुजा सबसे लंबी है इसलिए इसको फ्रंट मानेंगे। फ्रंट में क्या क्या दिखेगा, एक तो ये पूरा दिखेगा, उसके बाद ये दिखेगा एक फ्रंट में, और इसके बगल में जो यहाँ पे है वो दिखेगा फ्रंट में। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट में ये ऊपर की लाइन खींचेंगे 90 की। लाइन खींच लिया। अब इसकी हाइट लेंगे हम 45, आते हैं 35, आते हैं 10। यहाँ से भी ले लेंगे हाइट 45। फाइनली हम लास्ट वाला लाइन भी 90 की मिला देंगे। अब देख सकते हैं एक 90x45 का बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ से देखते हैं, ये लाइन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक 20 mm तक गई है, और ये लाइन भी यहाँ से 20 mm तक ही गई है। चलिए यहाँ से 20 mm की लाइन ले लेते हैं। हाइट 10 है यहाँ से, यहाँ से 10 हाइट छोड़ी हमने। अब ये जाके ऊपर यहाँ मिल गई है कि इस वाले पॉइंट पे, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ आ रही है, ये यहाँ मिलेगी और ये यहाँ मिल जाएगी। ये हमारा फ्रंट भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब साइड व्यू बनाते हैं। साइड व्यू में हम यहाँ से देखेंगे एक एल टाइप की आकृति दिखेगी, ये दिखेगा साइड व्यू में, और ये जो बॉक्स टेपर जा रहा है ये भी दिखेगा साइड व्यू में। पहले ये एल टाइप की आकृति बनाते हैं। इसकी हाइट यहाँ से है 45 mm है। यहाँ से प्रोजेक्टर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर लेने का फ़ायदा क्या हो रहा है, मैंने आपको बता रखा है। यहाँ से यहाँ 10 mm, वापस नीचे कितने आएंगे, तो यहाँ से 10 छोड़ेंगे, 35 mm आएंगे नीचे। फिर ये यहाँ से हैं 50। हाइट वापस इसकी 10। फाइनली इसको भी अब ये टेपर देखना, ये टेपर यहाँ से शुरू है और ये यहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ टोटल इसी लाइन से। तो हम यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे सीधी। फाइनली हम इसको भी जोड़ देंगे। ये हमारा साइड व्यू भी कंप्लीट हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कुछ डायमेंशन शो कर लिए।
अब ये डिसाइड कैसे करें कि ये सही है या गलत, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि टॉप व्यू का बेस फ्रंट व्यू का बेस के बराबर होता है, फ्रंट व्यू की हाइट साइड व्यू की हाइट के बराबर होती है, और जो साइड व्यू का बेस होता है वो टॉप की हाइट के बराबर होता है। आप देख सकते हैं तीनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये डायग्राम 100% सही है। ये दो लाइनें लिखने इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला ऑल डायमेंशंस आर इन एमएम, दूसरा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। एक बात का ध्यान रखना, ये डायग्राम हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाया, इसलिए हमने इसकी साइड चेंज नहीं की और टॉप नीचे नहीं बनाया। अगर यही डायग्राम हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाते तो टॉप नीचे आ जाता और साइड चेंज हो जाती। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अपने दोस्त जिनको इनकी ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।